और एलविश यादव विनर है। तो दूसरा मेरे लिए एलविश है, वो इंसान बुरा नहीं है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में अविनाश सचदेवा ने रिएक्ट किया एलविश यादव के ऊपर। तो गाइस आप सभी लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले वीकेंड का वार था, तो वहाँ पर अविनाश सचदेवा और जेड हदीद को दोनों को एक घर से नॉमिनेट कर बेघर कर दिया गया है। तो गाइस आप सभी लोगों को तो पता ही होगा जब अविनाश घर के अंदर थे तो बिना बात के एलविश यादव से लड़ाई करते रहते थे। तो यहाँ पर बिग बॉस घर से बाहर आने के बाद अविनाश का एक इंटरव्यू आउट हुआ जहाँ पर उन्होंने एलविश यादव के बारे में कुछ अच्छी बातें भी बोली है। और गाइस हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि अविनाश सचदेवा एलविश यादव के डर के कारण ऐसा बोल रहे हैं। दूसरा मेरे लिए एलविश है, वो इंसान बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसी को गलत समझते हैं। बाहर आके नोटिस कर रहा हूँ मैं कि एलविश तो समझदार है बंदा और उसने अग्री किया है कि उसके उसको एंगर इश्यूज हैं, बट वो मान लिया ना उसमें एंगर इशूज है। लेकिन उसकी जो छवि है वो उसके फॉलोअर्स को बाहर खराब कर रहे हैं, वो मेरे समझ के बाहर की चीज़ है। शायद वो ही एलविश को नहीं समझ पाए। तो गाइस आप लोग क्या लगता है अविनाश सचदेवा ने एलविश यादव के बारे में इतना अच्छा कैसे बोला? डर के मारे बोला या फिर दिल से बोला? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मनवीर गुजर के बारे में। तो इनको आप लोग जानते ही होंगे और मनवीर बिग बॉस सीजन 10 के विनर भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर मनवीर गुजर ने एलविश यादव को सपोर्ट करते हुए कहा कि मैं अपने सीजन के बाद से बिग बॉस देखना छोड़ चुका था, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बिग बॉस देखने में, लेकिन जब से एलविश यादव बिग बॉस के अंदर आया तब से मैंने बिग बॉस देखना स्टार्ट कर दिया है। अपने सीजन के बाद मैंने कई बार कोशिश की कि मैं बिग बॉस देखूं, लेकिन वो कनेक्शन वो फील नहीं आया कभी किसी से। बट जब से एलविश यादव को देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार ये सीज़न देख के कि हाँ ऐसा रहा होगा अपना सीज़न। थैंक यू यार एलविश। अब मेन मुद्दा क्या है कि वाइल्ड कार्ड है, जीतते नहीं है। जीतता वो है जिसको बाहर पब्लिक जिताएगी, जीतता वो जो बाहर बैठी पब्लिक का दिल जीतता है, और एलविश यादव विनर है। सो गाइस आप लोगों के हिसाब से बिग बॉस ऑलरेडी 2 का विनर कौन है, एलविश यादव या फिर फुकरा इंसान? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस आज के लिए इतना ही अपडेट था, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।